हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए ये खूबसूरत सा केक बनाएंगे। सबसे पहले केक को कढ़ाई में बेक करेंगे और उसके बाद आइसिंग करेंगे, और इसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। केक बेक करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर से मैंने कढ़ाई ले ली है, एक स्टैंड रखा है, और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गर्म कर लेते हैं। अब मैंने एक केक टिन लिया है। आज हम हाफ केजी, या कह सकते हैं कि एक पाउंड हाफ केजी से कम होता है, लगभग 50 ग्राम, लगभग आधा किलो का केक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने केक टिन लिया है, 5.5 इंच का है, आप 6 इंच का भी ले सकते हैं। ऑयल लगाया और बटर पेपर को सेट कर दिया है। अब हमें केक बैटर बनाना है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, आधा कप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं, आप इसके जगह कंडेंस मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, आधा कप दही लिया है। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक छन्नी रखी है और इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं 1/4 कप, यानी 1/4 कप, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और इन सभी चीज़ों को छान कर बाउल में डाल देते हैं। अब हमें सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, और इसके बाद इसमें हमें दूध डालना है, एसेंस डालना है। तो यहाँ हम दूध डाल देते हैं। तो लगभग इसमें हम 1/4 कप इसमें दूध डाल रहे हैं। दूध रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है ना ही गर्म है, रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो इसे डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको जिस फ्लेवर का केक बनाना है वो फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं, यानी एसेंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस, आप चाहें तो पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच इसमें विनेगर डालेंगे। इसके बाद एक बार फिर से अच्छे से मिलाना है। ये ध्यान रखना है कि बैटर में बिल्कुल भी लम्ब्स ना हो और बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो यहाँ जो केक बैटर है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम लोग फटाफट डाल देते हैं केक टिन में, और इसके बाद इसे बेक करना है। आप चाहें तो इसे ओवन में बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर, लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा। तो यहाँ मैंने केक टिन को टैप कर दिया है और इसे हम कढ़ाई में रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर बेक करना है, लगभग 35 से 40 मिनट में ये केक बेक हो जाएगा। तो यहाँ जो केक है बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है, और मैंने चेक कर लिया है बेक हो चुका है। तो केक को मैंने यहाँ आधा घंटा ठंडा कर लिया है। केक को लगभग आधे से एक घंटा ठंडा कर लें और उसके बाद ही केक टिन से निकालें, आपका जो केक है वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और ना ही क्रैक होगा। तो यहाँ केक टिन से बहुत ही आसानी से निकल गया है। बटर पेपर को निकाल देते हैं, और इसे हमें 4 से 5 घंटा ठंडा करना है और उसके बाद आइसिंग करना है। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बेस बनकर तैयार है। केक ठंडा हो गया है, तो आप चाहें ऊपर की लेयर को निकाल सकते हैं, पर यहाँ हम इसे नहीं निकालेंगे। इसे हम 3 लेयर में काट लेते हैं और उसके बाद फटाफट आइसिंग करनी है। आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है, तो आप एक दिन पहले ही केक बेस बना सकते हैं और दूसरे दिन आप आइसिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम काट लेते हैं इसे। तो यहाँ मैंने केक को 3 लेयर में काट लिया है। अब हमें व्हिप क्रीम तैयार करना है। व्हिप क्रीम तैयार करने के लिए हमें हैवी क्रीम चाहिए। हैवी क्रीम से ही व्हिप क्रीम बनाई जाती है, और इसे नॉन डेरी क्रीम भी कहा जाता है। क्रीम बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल चिल्ड है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बीटर से तब तक बीट करेंगे जब तक ये डबल से ज़्यादा ना हो जाए और बिल्कुल थिक ना हो जाए। तो कुछ इस तरह की व्हिप क्रीम दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये लूज़ है, ये अभी अच्छे से थिक नहीं हुई है, तो आप इसे थोड़ा और बीट करें जब तक ये बिल्कुल अच्छे से थिक ना हो जाए। और चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बाउल को कुछ इस तरह पलटें। अगर व्हिप क्रीम नहीं गिर रही है तो व्हिप क्रीम तैयार हो चुकी है। शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा चीनी लिया है, मिक्स कर लेते हैं। और ये जो शुगर सिरप है फटाफट तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें एसेंस या कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अब हमें आइसिंग करनी है, जिसके लिए मैंने केक बोर्ड लिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाएंगे। ये इसलिए लगाते हैं जिससे केक बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, सेट हो जाएगा। केक की एक लेयर को सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर शुगर सिरप लगा रहे हैं।
अब इसके ऊपर हमें व्हिप क्रीम स्प्रेड करना है, तो व्हिप क्रीम के साथ हम यहाँ मिक्स फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं मिक्स फ्रूट के, अगर आपके पास ये नहीं है या आप नहीं पसंद करते हैं तो इसे ना डालें, और इसके जगह आप चाहें तो क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल व्हिप क्रीम को स्प्रेड कर दें। अब इसके ऊपर हमें केक की सेकेंड लेयर रखना है, और एक बार फिर से हमें शुगर सिरप लगाना है। क्रीम स्प्रेड करेंगे और हम यहाँ मिक्स फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे भी डालेंगे। मिक्स फ्रूट कॉकटेल से केक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़ जाता है कह सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, एक बार इसे आप परचेज़ करें और इसे केक में फिल करें, केक बहुत ही बढ़िया बनता है। तो अब मैंने केक की थर्ड लेयर रखी है, इसके ऊपर हमें केवल शुगर सिरप लगाना है और क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है। तो सबसे पहले हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, जिससे जो क्रम कोटिंग है वो सेट हो जाएगी और उसके बाद हम फाइनल कोटिंग करेंगे। तो क्रम कोटिंग में बहुत ही पतली लेयर लगाई जाती है क्रीम की, ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, और इसके बाद इसे फ्रिज में रखा जाता है। आधा घंटा हो चुका है और अब हमें फाइनल कोटिंग करनी है और इसे हमें डोम का शेप देना है। आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, और इसे आप बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं तब, या किसी की एनिवर्सरी है तब आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ढेर सारी क्रीम चारों तरफ लगा दी है, और इसके बाद मैंने हल्का सा जो हार्ड वाला पॉलीथिन कार्ड आता है इसे लिया है, और इस केक को हम डोम शेप दे रहे हैं। अगर आप बड़े पॉलीथीन कार्ड से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह छोटा कार्ड भी आप काट लें पॉलीथीन कार्ड को, और उसके बाद इसे डोम का शेप दें। तो बहुत ही आराम से करिए, इसे डोम का शेप दीजिए घुमा घुमा कर, इस तरह ऊपर से नीचे आप क्रीम को सेट कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से केक डोम शेप का आ जाता है। बस आपको थोड़ी सी क्रीम इसमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। अब हमें केक को डेकोरेट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ कलरफुल स्प्रिंकल ले लिया है। ये आपको ऑनलाइन या मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, मैंने यहाँ लोकल मार्केट से इसे ख़रीदा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बीच में हमें केक के हार्ट बनाना है, आप स्टार बना सकते हैं या कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये कुकी कटर है, आप चाहें तो पॉलीथीन कार्ड को काट लें और बीच में सेट कर लें, जिससे ये स्प्रिंकल बीच में नहीं जाएंगे, और बीच में हमें जेल डालना है। तो चारों तरफ हम स्प्रिंकल डाल देते हैं, और जब आप साइड में डालें तो केक को हल्का सा तिरछा कर लें अपने तरफ, और उसके बाद स्प्रिंकल डालें। ये काम संभाल कर करिएगा, केक गिरना नहीं चाहिए। तो यहाँ जो केक है बहुत ही प्यारा दिख रहा है और थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है। तो सबसे पहले अब बीच में जो हार्ट है इसे हमें निकाल देना है, और हमें आउटलाइन बनानी है तो व्हिप क्रीम से ही बनाएंगे। व्हिप क्रीम में आप कोई भी नोज़ल, छोटा नोज़ल डाल दें। तो यहाँ मैंने स्टार नोज़ल का ही यूज़ किया है, जो आपके पास सबसे छोटा स्टार नोज़ल हो उसी का यूज़ करिएगा। पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम डालिएगा, और उसके बाद आप छोटे छोटे इस तरह फ्लावर बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि आउटलाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो डायरेक्ट व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग में डालें और छोटा सा छेद कर दें और डॉट बना दें। तो साइड में हम बॉर्डर भी बना देते हैं। इस केक को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। कोई भी नहीं कह सकता है कि इसे आपने घर पर बनाया है, बिल्कुल मार्केट जैसा ये केक लगता है। तो अब मैंने जेल ले लिया है, ये न्यूट्रल जेल है, और इसमें मैंने रेड कलर ऐड किया है क्योंकि हमें हार्ड बनाना है। वैसे आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, जिससे आसानी हो हमें इसे बीच में डालने में, यानी हार्ड बनाने में। आप चाहें तो चम्मच से काम कर सकते हैं ये वाला, पर पाइपिंग बैग से थोड़ा और भी आसान हो जाता है। तो बस बीच में मैंने जेल कलर, यानी जेल डाल दिया है रेड कलर का, और ये जो खूबसूरत सा केक है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसानी से बना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन केक की लेकर आते रहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।